की सबसे बड़ी खबर का, जयपुर से सबसे बड़ी खबर है, कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा क्या? यह फिलहाल संशय है। विधायक दल के बैठक की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर गहमा गहमी बढ़ गई है, हलचल बढ़ गई है। राजेंद्र राठौड़ से लेकर मदन दिलावर भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं कल विधायक दल की बैठक, और माना जा रहा है कि कल हो सकता है कि बीजेपी की ओर से सीएम के नाम का भी ऐलान कर दिया जाए। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विधायक दल के बैठक के बाद कभी भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है, और सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं राजस्थान पर, क्योंकि तीन राज्य जहां पर कमल के फूल खिले हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी दो राज्य बचे हुए हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक है जिसे लेकर अब तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हलचल इस वक्त तेज है। कई दिग्गज लगातार कार्यालय पहुंच रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ से लेकर मदन दिलावर भी कार्यालय पहुंचे हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं। बड़ी बैठक होने वाली है विधायक दल की, जो तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिसमें राजनाथ सिंह भी शामिल हैं और सरोज पांडे भी शामिल हैं। ये वो पर्यवेक्षक हैं जो विधायकों से बातचीत करेंगे, रायशुमारी करेंगे, ये जानने की कोशिश की जाएगी कि विधायक के मन में आखिर क्या है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि सभी को साथ लेकर चलना है, किसी को नाराज या खफा नहीं करना है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी नजदीक हैं, और ऐसे में चुनौती यह है बीजेपी के सामने कि कैसे ऐसा मुख्यमंत्री चुना जाए जो सर्वसम्मति से चुना जाए। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, गहमा गहमी तेज हो गई है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, कौन कौन पहुंचा है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, जैसे ही ये सामने आया कि विधायक दल की बैठक जो है वो कल होने जा रही है, उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर गहमा गहमी जो है वो काफी बढ़ चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहां पर पहुंच चुके हैं, राजेंद्र राठौड़ यहां पर मौजूद हैं, मदन दिलावर यहां पर पहुंच चुके हैं, इसके अलावा अन्य विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। यानी अब राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा उसका काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है, और पूरी संभावना है कि कल इसका ऐलान जो है वो हो जाए। अभी विधायक दल की बैठक का समय जो है वो निर्धारित नहीं हुआ है, बताया जा रहा है कि दोपहर बाद जो है वो ये बैठक हो सकती है। कल सुबह करीब 10-11 बजे जो है वो तीनों ही पर्यवेक्षक राजस्थान जयपुर जो है वो पहुंच जाएंगे, और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, और इस विधायक दल की बैठक के तुरंत बाद जो है वो मुख्यमंत्री नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा। ये पहुंच गए हैं क्या सौरभ? देखिए, अभी विधायकों को कॉल जो है वो नहीं पहुंचे हैं, अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहां पर पहुंचे हैं, और संभवतः कॉल पहुंचने शुरू हो चुका है। ये जानकारी अभी सामने आई है कि कॉल पहुंचने शुरू हो चुके हैं विधायकों को कि कल जो है वो बैठक विधायक दल की होने वाली है। समय जो है वो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ही बैठक होने की पूरी संभावना जो है वो जताई जा रही है। कोई जगह जो है वो यही बीजेपी प्रदेश कार्यालय रहेगी, यहीं पर ही तमाम विधायक जो है वो जुटेंगे, और यहीं पर ही जो है वो बैठक होगी, और बैठक के तुरंत बाद नाम का ऐलान भी जो है वो हो जाएगा। आप देखना होगा कि चूंकि छत्तीसगढ़ में जो है वो चौंकाने वाला नाम आया है, राजस्थान में वो चौंकाने वाला नाम जो है वो कौन होगा? तमाम जो दावेदार हैं उनकी धड़कनें जो है वो अब तेज हो चुकी है। हालांकि विधायक जो है वो अब पूरी तरह से यही बात कह रहे हैं कि जो भी संगठन कहेगा वही जो है वो नेता चुना जाएगा। यानी कल जो बैठक होने वाली उसकी भूमिका तय हो चुकी है कि जो भी संगठन कहेगा, यानी जो भी आलाकमान कहेगा, वही जो है वो राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। यानी रायशुमारी जरूर होगी, लेकिन फैसला जो है वो आलाकमान ने ले लिया है, फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, मंत्रिमंडल में कौन होगा, ये तमाम तैयारियां जो है वो अब बिल्कुल हो चुकी है, और माना जा रहा है कि अब शपथ शायद ही किसी ने नाम सोचा होगा छत्तीसगढ़ में जिस नाम का ऐलान हुआ, और माना जा रहा है कि राजस्थान में भी चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। आप कह रहे हैं कि आलाकमान ने फैसला कर लिया है कि सीएम कौन होगा और डिप्टी सीएम, लेकिन विधायक दल की बैठक में ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि विधायकों से रायशुमारी होगी, उसके बाद फैसला होगा। विधायकों के मन में चल क्या रहा है? देखिए, हर व्यक्ति की, हर विधायक की जो है वो अपनी एक इच्छा होती है, कह सकते हैं कि अपनी एक पसंद होती है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी में पसंद के आधार पर निर्णय नहीं होते।
बीजेपी में निर्णय होते हैं, आलाकमान क्या सोचता है, भविष्य की क्या योजना है, उनको कौन जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा और उससे देश भर में मैसेज किस प्रकार का जाएगा। यहाँ पर अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई विधायक ये कहे कि मेरे साथ फला इतने विधायक है और उसके जरिए मुझे जो है वो मुख्यमंत्री बना दो। अब वो वाली बीजेपी जो है वो नजर नहीं आ रही। अब जो है वो पूरा निर्णय आलाकमान के हाथ में है। आलाकमान जो है वो ये निर्णय उन्होंने ले लिया है। ये बताया जा रहा है कि निर्णय जो है वो हो चुका है, फॉर्मूला तय हो चुका है कि कौन जो है वो मुख्यमंत्री होगा। अब ये कह सकते हैं कि एक औपचारिकता है विधायकों से चर्चा करने की और नाम का ऐलान होने की, तो वो जो है वो कल हो जाएगा। विधायक दल की बैठक जो है वो कल हो जाएगी और उसके बाद नाम का ऐलान संभवतः कल दोपहर तक ये नाम का ऐलान भी हो जाए। तो अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर तमाम नेता समर्थक जो है वो पहुंचने लगे। यानी अब इसे इस ओर भी देखना चाहिए कि अब बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में भी पूरी तरह से जुट चुकी है। अब ये शपथ ग्रहण समारोह कहाँ होगा, क्योंकि देखिए पहले जो शपथ ग्रहण समारोह होते थे जनपद में होते थे, तमाम बड़े नेता आते थे। अब इस बार का शपथ ग्रहण समारोह किस प्रकार का होगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, गृहमंत्री होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? सौरभ, इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि कल विधायक दल की बैठक होगी और जो फैसला लेना है सीएम के नाम को लेकर वो तय कर लिया गया है कि कौन होगा मुख्यमंत्री, लिफाफे में कैद हो चुका है। कल विधायक दल की बैठक के बाद ही नाम का भी ऐलान हो सकता है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।